नमस्ते दोस्तों, मैं पूनम आप सभी का स्वागत करती हूँ दीदी रेसिपी में। तो आज हम सीखेंगे पनीर कैसे बनाना। फटाफट रेसिपी स्टार्ट करते हैं, लेट्स कम विद मी। तो देखिए दोस्तों, ये दूध है हमारे घर का, जैसे कि ये भैंस देती है दूध, तो ये तकरीबन 3 लीटर दूध है। तो मैं इसे सबसे पहले छान रही हूँ। फाड़ने के लिए मैंने यहाँ पे दूध को छान लिया है दोस्तों। ये तकरीबन 3 लीटर के मुकाबले दूध है, तो इसमें से 1 किलो पनीर निकल जाएगा। ये हमारे घर का दूध है, तो चलिए पनीर को फाड़ने के प्रोसेस में चलते हैं, यानी पनीर बनाते हैं। तो देखिए दोस्तों, दूध को मैंने गैस पे चढ़ा दिया है, तो इसे गर्म करना है, चलाते भी रहना है कि नीचे ये दूध जले ना। तो इसे गर्म होने देना है, फिर हम इसमें डालेंगे फिटकरी। तिला देते हैं इसमें अच्छी सी। तो देखिए दोस्तों, दूध में अच्छा सा उबाल आने वाला है, तो मैं इसे चला रही हूँ। ये गर्म हो गया है दूध। मैं क्या करूंगी, ये फिटकरी है, मैं इसके अंदर डाल दूंगी पूरा ये, और जब तक दूध फटेगा नहीं तब तक मैं इसे घुमाते रहूंगी। अभी दूध फट जाएगा, पनीर अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा। तो इसी प्रोसेस को करना है 2 या 1 मिनट। इस प्रोसेस को मैं कम से कम 1 से 2 मिनट करूंगी। देखिए ये दूध फटना शुरू हो गया है। तो इसी तरह ये फिटकरी को मैं घुमा रही हूँ इसके अंदर। तो देखिए दोस्तों, पनीर बनना स्टार्ट हो गया है। अभी ये कुछ पानी अलग हो जाएगा, दूध अलग हो जाएगा। तो अब मैं पनीर को तो देखिए दोस्तों, दूध हमारा फट गया अच्छे से। तो मैं ये फिटकरी को निकाल ले रही हूँ। तो इस फिटकरी को मैं बार बार यूज, इसका पानी एकदम पीला हो गया है, ये खोआ अलग हो गया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी अलग हो गया है, ये पीला पीला एकदम पानी है, और ये हमारा पनीर है। तो अब इस पनीर को हम छान लेते हैं, ये रेडी है। ये देख लीजिए, एकदम अलग हो गया इसका पानी और दूध, ये जम गया। देखिए दोस्तों, मैंने बाल्टी पे ये पनीर फाड़ने वाला कपड़ा भी छान लिया है, इसलिए इसे बांध देती हूँ मैं, गिरे ना ये। एक नॉट लगा देती हूँ मैं, ताकि इसको गहरा बना दिया मैंने। कपड़े पे रखूंगी, तो ये देखिए पानी इसका नीचे चला जाएगा और ये छेना के ऊपर रह जाएगा। तो इसी तरह से इसके ऊपर, देखिए दोस्तों इतना सारा ये छेना बन के निकला है इसके अंदर से, ये देखिए। तो अच्छे से मैं इसे साफ कर ले रही हूँ। इतना सारा ये पनीर हमारा बनेगा, मजा ही आ जाएगा। अब क्या करना है, खोल देती हूँ और इसे ले रही हूँ मैं। सारा पानी हमें, मैं थोड़ी देर पीछे एंगल से इसे छोड़ देती हूँ, जब तक ये ठंडा ना हो जाए इसे छोड़ देना, ताकि इसका सारा पानी नीचे गिर जाए। तो देखिए दोस्तों, मैंने इसे निचोड़ लिया है, ये देखिए पानी हमारा, ये देख लीजिए एकदम से अलग हो गया, इसमें थोड़ा भी दूध नहीं है। अब इसे एक नॉट लगा देती हूँ मैं, एक और देती हूँ पोटली टाइप में। ये देखिए हमारी पनीर की पोटली इस तरह से हैंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको जल्दी जल्दी बनाना है तो देखिए दोस्तों, इस पोटली का क्या करूंगी, सिंपली मैंने यहाँ पे एक थाली लिया है और इस थाली पे इस पोटली को रख दूंगी इस तरह से उल्टा कर, और यहाँ पे
एक और थाली लूंगी मैं इस तरह से, इसे उल्टा करके रख दिया मैंने। और ये मैंने यहाँ पे, ये हमारा चौकी है, इसे रख दिया है ताकि ये वजन इसके ऊपर पड़ेगा तो अच्छे से पनीर दब के तैयार होगी। तो ये देख इस तरह से आप कुछ भी वजन टाइप में रख सकते हैं। मेरे घर पे तो मैंने इसको ही रख दिया है, 3 से 4 घंटे के लिए इसे छोड़ देना है। बाय बाय, मिलते हैं कुछ देर में। ये दोस्तों 3 से 4 घंटे हो चुके हैं तो हमारा पनीर भी रेडी है बनके। तो ये देखिए, हमारा पनीर बनके रेडी हो चुका है। ये देखिए दोस्तों, अब मैं इसे कट करने वाली हूँ पकाने के लिए। तो अपने मन चाहे आकार में इसे काटते हैं। ये देखिए, अब ये देखिए कितना अच्छा जमा है ये। तो मैं इसे एक एक करके काट रही हूँ अपने मन चाहे आकार में। आपको जितना बड़ा खाना है बनाना है। तो ये मैं बड़े बड़े पीसेस काट ले रही हूँ। इसका मन चाहे जो आपको स्नैक्स या सब्जी वगैरह जो भी बनाना है आप बनाइए। चाहे इसका पराठा बनाइए, चाहे इसका स्नैक्स बनाइए, पनीर रोल बनाइए, पनीर की सब्जी बनाइए, आपकी मर्जी। लेकिन पनीर तो तैयार हो गया है, लग रहा है ना एकदम मार्केट जैसा। ये देखिए, ये कम से कम 1 किलो। तो ये पनीर परफेक्ट है सब्जी बनाने के लिए। तो वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दे, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करना।